हेलो एवरीवन, मैं अखिलेश कुमार श्रीवास्तव और आज के लेक्चर में हम लोग एक और प्रॉब्लम देखते हैं जो कि ग्राफ से रिलेटेड है। सो दिस द नेम ऑफ द प्रॉब्लम इज कनेक्टेड सेल्स इन द ग्रिड। दिस इज एट द हैकर रैंक प्लेटफॉर्म। कंसीडर अ मैट्रिक्स वेयर ईच सेल कंटेन्स आइदर जीरो और वन। एनी सेल कंटेनिंग अ वन इज कॉल्ड द फिल्ड सेल। टू सेल्स आर सेट टू बी कनेक्टेड इफ दे आर एडजेसेंट टू ईच अदर हॉरिजेंटली, वर्टिकली और डायगोनली। इसका मतलब है कि यहाँ जो कनेक्टिविटी है वो हॉरिजेंटली, वर्टिकली और डायगोनली है। इसका मतलब कि हम 8 डायरेक्शंस में इनकी कनेक्टिविटीज को मानेंगे। इन द फॉलोइंग ग्रिड ऑल द सेल्स आर मार्क्ड एज एक्स आर कनेक्टेड टू द सेल वाई। ये जो एग्जाम्पल इसमें गिवन है, ये हमारा वाई वाला सेल है और इसमें सराउंडिंग में आप देख रहे हैं ये एक्स है और ये सारे इससे कनेक्टेड माने गए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर मैं यहाँ पे हूँ तो हॉरिजेंटली इस तरह से, वर्टिकली इस तरह से और डायगनली अप, डायगनली डाउन, डायगनली अप, डायगनली डाउन, ये जो है वो भी कनेक्टेड माने जा रहे हैं। सो इसका मीनिंग क्या है कि हम 8 डायरेक्शंस में अपने कनेक्शंस को मानेंगे। आगे पढ़ते हैं। इफ वन और मोर सेल्स आर, वन और मोर फिल्ड सेल्स आर ऑल्सो कनेक्टेड, दे फॉर्म अ रीजन। नोट दैट ईच सेल इन अ रीजन इज कनेक्टेड टू जीरो और मोर सेल्स इन द रीजन, बट इट इज नॉट नेसेसरीली डायरेक्टली कनेक्टेड टू ऑल अदर सेल्स इन द रीजन। सो गिवन ए एन क्रॉस एम मैट्रिक्स, फाइंड एंड प्रिंट द नंबर ऑफ सेल्स इन द लार्जेस्ट रीजन इन द मैट्रिक्स। नोट दैट देयर मे बी मोर देन वन रीजन इन द मैट्रिक्स। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स हमारे एक से ज्यादा हो सकते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द कनेक्टेड कंपोनेंट्स इन द ग्राफ। फॉर एग्जाम्पल, इफ देर आर टू रीजन्स इन द फॉलोइंग 3x3 मैट्रिक्स, the larger region at the top contains 3 cells, the smaller one at the bottom contains only 1 cell. So it is obvious, इस example के हिसाब से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 cell का connected region है यहाँ पे और यहाँ पे केवल 1 cell का connected region है। जो larger cell हमारा है उसमें, larger जो connected region है उसमें 3 elements हैं। So यहाँ पे हमें यह करना है कि हमें एक matrix given है और number of elements हमें find करने हैं जिसमें उस वाले कनेक्टेड कंपोनेंट में जिसमें मैक्सिमम सेल्स एक दूसरे से कनेक्टेड हो। सो अगर आप ध्यान से देखें, 1, 2, 3, 4 और 5 ये हमारे कनेक्टेड है इधर और एक हमारा ये कनेक्टेड रीजन है 1 वाला, तो इसका आंसर हमारा 5 होना चाहिए। सो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड कि इसका मीनिंग क्या कहा जा रहा है। अगर हमें एक मैट्रिक्स गिवन है तो उस मैट्रिक्स में अगर हम जिस सेल की वैल्यू 1 है वहां से हम डीएफएस स्टार्ट कर लें तो हमें ये पता चल जाएगा कि इससे और कितने सेल्स कनेक्टेड हैं। और इसके बाद फिर हम क्या कर सकते हैं कि जहाँ पे ये चेन ब्रेक होगी हम वापस आइटरेटिव वर्जन में आएंगे और फिर देखेंगे कि अगर कोई अनविजिटेड सेल है और उसकी वैल्यू 1 है तो वहां से फिर से डीएफएस रिकर्सिव फंक्शन स्टार्ट करके अगेन फाइंड कर लेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे कनेक्टेड कंपोनेंट्स में कितने हैं। तो इस तरह से जो भी कनेक्टेड कंपोनेंट्स होंगे उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स या जितने भी एलिमेंट चेन में होंगे उनको हम कहीं स्टोर कर लेंगे एंड देन फाइनली उनमें से फाइंड करेंगे कि मैक्सिमम कौन सा सेल है। एक बार फिर से हम समझने की कोशिश करते हैं इस प्रॉब्लम को किस तरह से अप्रोच किया जाए। मान लीजिए कि हम करेंटली आईजे सेल में हैं और अगर हमें आईजे सेल से कनेक्टिविटी की बात कही गई है तो कनेक्शन हमारे 8 different directions में कनेक्शन हो सकता है। एक हॉरिजेंटली राइट की तरफ हो सकता है और ये जो राइट की तरफ कनेक्शन होगा उसमें रो नंबर सेम होगा बट कॉलम नंबर हमारा अपडेट हो जाएगा J+1 से। सिमिलरली अगर हम इसके लेफ्ट की बात करें तो हम लेफ्ट की तरफ अगर मूव करेंगे सो यहाँ पे रो नंबर सेम होगा और कॉलम नंबर चेंज हो जाएगा J-1 से। अगर हम अपवर्ड डायरेक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे रो नंबर चेंज होगा I-1 से वाइल कीपिंग दी कॉलम नंबर सेम। और अगर हम इससे नीचे की तरफ जाएंगे, डाउन की तरफ जाएंगे, सो रो नंबर इंक्रीज होगा वाइल कीपिंग दी कॉलम नंबर सेम। सिमिलरली अगर हम अपवर्ड जाएं राइट की तरफ तो यहाँ पे रो नंबर भी चेंज होगा और कॉलम नंबर भी चेंज होगा। सो यहाँ पे रो नंबर डिक्रीज हो रहा है और कॉलम नंबर इंक्रीज हो रहा है। अगर हम करंट सेल से राइट की तरफ डाउन जाएंगे तो इस केस में रो नंबर भी इंक्रीज होगा और कॉलम नंबर भी इंक्रीज होगा। इसी तरह से अगर हम डाउनवर्ड्स जा रहे हैं टूवर्ड्स द लेफ्ट तो इस केस में रो नंबर इंक्रीज होगा और कॉलम नंबर डिक्रीज होगा। अगर हम अपवर्ड जा रहे हैं लेफ्ट की तरफ सो रो नंबर हमारा डिक्रीज होगा एंड कॉलम नंबर भी हमारा डिक्रीज होगा। तो करंट सेल अगर हमारा ये है तो 8 different directions जिनकी कनेक्टिविटी हो सकती है
वो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। इसी कनेक्टिविटी का यूज करके हम डीएफएस करेंगे, और डीएफएस में जितनी बार हम चेन्स में रहेंगे, जितने एलिमेंट्स चेन में होंगे, उनको हम एक दूसरे से कनेक्टेड पाएंगे। और अगर हम चेन की साइज पता करेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन वन रिलीजन हमें पता चल जाएगा, या कनेक्टेड सेल्स इन ग्रिड हमें पता चल जाएगा। तो आइए इसको हम कोड करते हैं। और कोड करने के लिए यहाँ पे जो हमें फंक्शन गिवन है, हम उसका भी यूज करेंगे और एक फंक्शन हम अपना भी लिखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इन्होंने क्या हमें फंक्शन दिया। तो इन्होंने जो हमें फंक्शन दिया वो ये दिया है, कनेक्टेड सेल्स, जिसमें वेक्टर और वेक्टर है, मैट्रिक्स नाम का जो इंटीजर टाइप का है, और इसके बाद फिर इसमें एन और एम डिफाइन है, जिसमें कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स है। क्योंकि हमें डीएफएस करना है, तो डीएफएस करने के लिए हमें स्टेटस वेक्टर मेंटेन करने की जरूरत पड़ेगी। स्टेटस एरे का साइज मैट्रिक्स के ही इक्वल होगा, इसलिए हम वेक्टर और वेक्टर डिफाइन करते हैं इंटीजर टाइप का, जिसमें एन टोटल रोज हैं और हर रो एक वेक्टर है इंटीजर टाइप का, जिसकी साइज एम है और इसकी इनिशियलाइज्ड वैल्यू 0 है। इसके बाद हम क्या करते हैं कि मैट्रिक्स को एनालाइज करते हैं, और मैट्रिक्स जो कि 2D एरे की तरह से होता है, इसलिए हम पहले रो के लिए आउटर लूप और कॉलम के लिए इनर लूप। मैट्रिक्स में अगर वन एंट्री है तो इसका मतलब कि मेरी टारगेट एंट्री है, ये हमारे रीजन में ऐड हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि ये चेक करते हैं कि अगर इस सेल पे हम पहले से विजिट नहीं किए हैं, इसका मतलब कि इस सेल का स्टेटस 0 है, तो हम डीएफएस रिकर्सिव फंक्शन को कॉल करते हैं इस वाले सेल के साथ। हमने क्या क्या पास किया है यहाँ पे, आई जे मतलब कि इसके कोऑर्डिनेट्स, फिर इसके बाद फिर मैट्रिक्स को पास किया है, स्टेटस एरे को पास किया, स्टेटस वेक्टर को, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स को भी पास किया है। ये जो सी है वो हमें ये बता रहा है कि कितने एलिमेंट्स हैं कनेक्टेड कंपोनेंट्स में, गिवन कनेक्टेड कंपोनेंट में जिसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। सी की इनिशियलाइज वैल्यू 0 है, और जब ये फंक्शन डीएफएस फंक्शन नंबर ऑफ एलिमेंट कनेक्टेड कंपोनेंट रिटर्न करेगा, तो हम उसको सी वेरिएबल में एक्सेप्ट करा लेंगे। तो आइए हम वापस चलते हैं अपने डीएफएस रिकर्सिव फंक्शन, जो कि हमारा डिजाइन फंक्शन है, वही सारे पैरामीटर्स एक बार फिर से रीड आउट कर लेते हैं। डीएफएस रिकर्सिव फंक्शन में करंट सेल आई जे, मैट्रिक्स जो कि वेक्टर और वेक्टर है, स्टेटस जो कि वेक्टर और वेक्टर है लेकिन इसमें हमने एम्परसेंट लगाया क्योंकि डीएफएस रिकर्सिव फंक्शन स्टेटस को चेंज करेगा, वो सारे चेंजेस हमारे मेंटेन होने चाहिए हमारे ओरिजिनल स्टेटस में, जो कि हमने आइटरेटिव वर्जन में कॉल किया। एन और एम नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम, साथ ही साथ एक सी है जो कि हमें बता रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कनेक्टेड कंपोनेंट। अगर हमने आइटरेटिव से अभी अभी जर्नी स्टार्ट की है तो सी की वैल्यू 0 होगी। स्टेटस ऑफ आई जे 0 कर 0 था, उसको हम 1 कर देते हैं, इसका मतलब है कि इसको हमने मार्क कर दिया विजिटेड है। इसके बाद फिर नंबर ऑफ एलिमेंट को हमने एक इंक्रीज कर दिया, सी प्लस प्लस कर दिया। अब हमें एट डायमेंशनलिटी का चेक करना है, इसमें से एक डायमेंशन मैं एक्सप्लेन करता हूँ, बाकी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। हमें राइट की तरफ अगर जाना है तो जे प्लस वन हमें इंक्रीज, मैंने जे को जे प्लस वन करना पड़ेगा। अगर जे प्लस वन बाउंड्री के अंदर है, क्योंकि तो हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स एम है, तो जो लास्ट कॉलम की वैल्यू हो सकती है वो एम माइनस वन हो सकती है, तो जे प्लस वन शुड बी लेस देन एम। अगर मैट्रिक्स में इस पोजिशन पे वन है, इसका मतलब कि ये हमारा टारगेट रीजन है, टारगेट वैल्यू है। और इस पोजिशन पे अगर हम पहले नहीं पहुंचे, इसका मतलब कि आई जे प्लस वन पोजिशन 0 है स्टेटस में, तो इसका मतलब है कि हम इसको अपने कनेक्टेड कंपोनेंट में ऐड कर लेंगे और इस सेल से डीएफएस को स्टार्ट कर देंगे। और ये जो डीएफएस रिकर्सिव फंक्शन है, वो जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें रिटर्न करेगा उसको हम सी में ही एक्सेप्ट कर लेंगे, ताकि जो भी प्रीवियस चेंजेस हैं वो हम रिकॉर्ड कर सकें। तो जैसे हमने राइट लिखा है वैसे लेफ्ट के लिए हमने कोड लिखा, फिर अप के लिए कोड लिखा, सेम इसी तरह से हमने लिखा है, फिर डाउन के लिए हमने कोड लिखा। कोऑर्डिनेट्स में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। देन हम डायगनली बात कर रहे हैं, सो दिस इज डायगनली राइट एंड देन दिस इज डायगनली डाउन राइट था, दिस वन वाज डायगनली डाउन राइट। आइए इसको भी हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। सो डायगनली हम जा रहे हैं डाउन एंड राइट की तरफ। देन व्हाट इज दिस सेइंग, आई माइनस वन एंड जे प्लस वन, इसका मतलब कि हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं डायगनली अपराइट। एंड सिमिलरली दिस इज सेइंग दैट आई प्लस वन एंड जे माइनस वन, इट मीन्स दैट कि वी आर रो नंबर इज इंक्रीजिंग और कॉलम नंबर डिक्रीज कर रहा है, तो ये डायगनली डाउन लेफ्ट होगा। इसी तरह से आई माइनस वन एंड जे माइनस वन, इसका मतलब है कि डायगनली अप लेफ्ट होगा, ये नॉट राइट, इट इज लेफ्ट। एंड सिमिलरली हमने
चारों डायरेक्शंस को इंक्लूड कर लिया जो डायगनल वाले हैं, और बाकी जो चारों डायरेक्शंस हैं वो हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल, तो टोटल 8 डायरेक्शंस को हमने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है। जब भी हम इन डीएफएस, जब ये डीएफएस फंक्शंस कंप्लीट हो जाएंगे, तो कंप्लीट होते ही हम नंबर ऑफ एलिमेंट इन कनेक्टेड कंपोनेंट को रिटर्न कर देंगे, जिससे कि प्रीवियस फॉल्स को ये वैल्यू पता चल जाए कि कितने एलिमेंट्स एक चेन में कनेक्टेड हैं। आइए वापस आते हैं इनके गिवन फंक्शन में, और जो इनका गिवन फंक्शन है वो कनेक्टेड सेल्स है, एंड इस कनेक्टेड सेल्स में जो भी हमें आंसर मुझे मुझे मिला था उसको हम एक वेक्टर आंसर में पुश बैक करा देते हैं। आंसर में पुश बैक कराने के बाद हम ये फाइंड करते हैं कि कौन सा एलिमेंट मैक्सिमम है। सो मैक्सिमम को फाइंड करने के लिए हमने यहाँ पे एक मैक्सिमम ले लिया है, जो कि जीरो से, माने आंसर वेक्टर के जीरो वाले एलिमेंट, मतलब जीरो इंडेक्स वाले एलिमेंट से इनिशियलाइज कर लिया है। ये एक रूटीन प्रोसेस है कि एक अरे के एलिमेंट्स पर से अगर हमें मैक्सिमम फाइंड करना है तो पहले एलिमेंट को आप मैक्सिमम मान लीजिए और बाकी एलिमेंट्स इसका कंपेरिजन कर लेंगे। सो इफ आंसर आई इज ग्रेटर देन मैक्सिमम, सो मैक्सिमम विल बी आंसर आई। फाइनली आप मैक्सिमम को रिटर्न करा देंगे। सो इसको रन करके देखते हैं। Can see that the sample discusses a past. Let me submit this. And the other test cases have also got passed. So this problem is connected cells in the grid, and this problem is related to the elements in the connected components, and the number of elements in the connected components can be found using the DFS. So DFS is a very useful algorithm, and we'll be using this algorithm to solve more problems in the subsequent lectures. Thanks for watching this.